हेलो एवरीवन, अगर बच्चे को सर्दी हो जाए तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि बच्चा ठीक से खेल नहीं पाता है, बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, चिड़चिड़ा भी रहता है। कई बार क्या होता है कि वो आवाज़ें भी ठीक से नहीं निकलती है, ऐसे में बहुत तकलीफ होती है। हमारे साथ भी ऐसा हो चुका है, इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। देखिए फ्रेंड, जब भी आपके बच्चे अगर छोटे बच्चे हैं और वो कुछ तो ऐसे भी बता नहीं पाते कि उनको सर्दी है कि जुकाम है क्या है, तो आपको ये सब चीज़ समझना होता है। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको उसको देखना है कि उसके लक्षण को देखना होता है कि भैया बच्चे को क्या प्रॉब्लम है। तो आप देखेंगे, आप पीछे कर लीजिए बच्चे को और उसके पीठ में कान देकर सुनिए, वहां से अगर कफ जैसी आवाजें आ रही है तो आप पता कर पाएंगे कि बच्चे को जो है सर्दी जुकाम लगी हुई है। कई बार वो जो चिल्लाते हैं तो आवाज घरघराहट जैसी आती है, तो आप समझ जाएंगे कि बच्चे को जो है सर्दी या फिर जुकाम हो चुकी है। ठीक है, अब देखिए आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा, जब हमारे साथ ये हुआ तो हमको लक्षण दिखाई दे दिए और हमने उसका घरेलू इलाज करना शुरू कर दिया। देखिए, डॉक्टर के पास आप जा सकते हैं, मैं डॉक्टर के पास जाने के लिए मना नहीं करूंगा, लेकिन बच्चे अगर छोटे हैं तो किसी भी टाइप की जो मेडिकल दवाइयां होती है उससे थोड़ा दूरी रहिए तो ज्यादा अच्छा है। पहले आप जो है घरेलू नुस्खे आप करके देख सकते हैं, अगर प्रॉब्लम बनी हुई है तब आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं। देखिए, हमने क्या किया, जब सर्दी लगती है तो हम लोग क्या करते हैं, तेल जो होता है उसको हल्का गर्म कर लेते हैं। कौन से तेल, सरसों के तेल को। ठीक है, क्योंकि ठंडी लगी है, सर्दी लगी है, तो सरसों के तेल को हल्का सा आप गर्म कर लीजिए और उसके माथे में लगाइए, इस तरीके से माथे पे लगाइए, नाक में लगाइए, इसके छाती में रब कीजिए इस तरीके से, और पीठ में लगाइए, जस्ट फेफड़ा में पीछे पीठ की तरफ लगाइए, हल्के हल्के हाथों से उसको मालिश कीजिए। इतना सब करने के बाद आपको करना है कंगारू थेरेपी, जिसके बारे में हमारे देश में बहुत कम बताया जाता है, लेकिन ये एक बहुत ही कारगर तरीका है। बच्चे को गर्मी की ज़रूरत होती है तो कंगारू थेरेपी में क्या किया जाता है, माँ के सीने से उस बच्चे को चिपका कर रखा जाता है, यानी कि कपड़े नहीं होना चाहिए, बाहर से आप कपड़े पहने, कपड़े के अंदर जो है बच्चे को आप डाल लीजिए, ताकि जो बॉडी की जितनी भी गर्मी है वो बच्चे को मिलनी चाहिए। उसे आप इस तरीके से पकड़ कर बैठ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि माँ ही बैठे, अगर आप पिता हैं तो भी आप बैठ सकते हैं, और मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप पिता है ना तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो कंगारू थेरेपी जो है आप जरूर यूज़ कीजिए, इससे जो है सर्दी बिल्कुल दूर हो जाती है। मैं अपनी बेबी को तो पकड़ के बैठ जाता हूँ, वो ठीक हो जाती है, ठीक हो चुकी है। अब अगला एक तरीका और होता है, जो नीलगिरी का तेल आता है, आप मेडिकल स्टोर में जाएंगे, नीलगिरी का तेल, छोटी वाले तेल लेके आ जाइए, और जहाँ पर आप बच्ची को सुलाते हैं, जो भी उसका बिस्तर है उसमें तकिया रखते होंगे या फिर ऐसी सिंपल आप सुलाते होंगे, तो उसमें क्या कीजिए, तेल को हल्का सा उस कपड़े पे लगा दीजिए, तकिए पे हल्का हल्का लगा दीजिए, मतलब उसकी स्मेल आनी चाहिए। इससे क्या होगा कि बच्चा जब खेलता है, सांस लेता है, तो वो नीलगिरी की जो खुशबू है वो बच्चे के नाक में लगातार जाते रहती है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखेंगे, बहुत ज़्यादा तेल नहीं डाल देना है, हल्का सा डालना है, क्योंकि उसकी स्मेल थोड़ी ज़्यादा होती है। हल्का हल्का बच्चे के नाक में अगर जाएगा तो आप देख पाएंगे कि बच्चे की जो नाक है वो जल्दी खुल जाएगी, सर्दी की प्रॉब्लम धीरे धीरे कम होने लगेगी। और रोज़ाना जो है हल्के गर्म पानी से बच्चे को नहलाइए, और ध्यान रखिए सिर में बहुत ज़्यादा पानी आपको नहीं डालना है। तो फ्रेंड, अगर आप ये सभी तरीके अपना लेते हैं तो आपका बच्चे को जो भी सर्दी जुकाम है वो एकदम दूर हो जाएगा। और अंत में एक बार फिर से मैं दोहरा देना चाहता हूँ कि अगर फिर भी प्रॉब्लम बनी हुई है तो आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। आज की वीडियो बस यहीं तक फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं बच्चों से रिलेटेड कॉन्टेंट ही लाते रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।